नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका learnready.com पर। तो दोस्तों, आज के हम रेविट के ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कि हम क्लिपबोर्ड का यूज़ कैसे करते हैं रेविट के अंदर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्लिपबोर्ड का यूज़ कैसे करेंगे। अब मान लीजिए जैसे कि आपने ये जो ग्राउंड फ्लोर हमने बनाया हुआ है, सेम एज इट इज़ आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है इसके ऊपर। तो उसके लिए अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से क्लिपबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड यूज़ करने से क्या होगा कि आपको ये सब चीज़ें फिर से रिकंस्ट्रक्ट नहीं करनी पड़ेंगी, आप सिंपली इनको क्लिपबोर्ड के थ्रू कॉपी करके ऊपर प्लांट कर सकते हो। नहीं तो ऐसे करके हमें एक एक वॉल को फिर से क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, पहले मैं इस रेलिंग को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, देन यहाँ से मैं इन वॉल्स को भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसे भी और इसे भी। इनको डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है साउथ पे। साउथ पे जाने के बाद आपने यहाँ से अगर आप हिडन लाइन ले लेते हो, हिडन लाइन यहाँ पे शो नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ से फिर से वायर फ्रेम ले लेता हूँ। तो वायर फ्रेम से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें ये जो वॉल्स, डोर्स और विंडोज चाहिए और कॉलम्स चाहिए, तो हमने इनको ऊपर ऊपर से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड कीजिए। क्लिपबोर्ड करने के बाद यहाँ पे आता है पेस्ट, तो पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड और अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल। सबसे सही तरीका जो होता है वो होता है सिलेक्टेड लेवल की, किस लेवल के ऊपर आप इसको रखना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से सिलेक्टेड लेवल लेता हूँ, तो हमारे पास तीन लेवल्स हैं, तो आप किस लेवल के ऊपर कॉपी करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थर्ड लेवल के ऊपर कॉपी करना चाहता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये ऑटोमेटिकली वहीं पे ऊपर कॉपी हो गया। अब उसके बाद हमने यहाँ इसके ऊपर सेम एज इट यही स्लैब ऊपर कॉपी करनी है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक लेवल क्रिएट कर देते हैं लेवल फोर पे। करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड देन इसको सिलेक्ट कीजिए। इस स्लैब को सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड कीजिए, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल एंड अब हमारे पास लेवल फोर भी है, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद व्यू पे जाइए और 3D में इसको देख लीजिए, तो आपका जो प्लान है वो कुछ इस तरह से ऊपर भी कॉपी हो गया। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि हमने चेंजेस लाने हैं, चेंजेस लाने के लिए क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास। जैसे आपने यहाँ पे ये जो कॉलम्स हैं, अगर कॉलम्स को आप ऊपर लेके जाना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे टॉप लेवल जो लेवल टू दिया हुआ है, हम लेवल थ्री दे देंगे। फिर से सेलेक्ट करता हूँ, इसका जो टॉप लेवल देना है हमने लेवल थ्री, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमने देना है लेवल फोर। लेवल फोर यहाँ पे भी हम लेवल फोर देंगे। लेवल फोर इसलिए देना है क्योंकि जो लेवल वन है वो यहाँ पे है, टू इसके नीचे आएगा, थर्ड ये और फोर्थ लेवल जो है वो इसके नीचे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा। तो इस तरह से आप कॉलम्स को ऊपर लेके जा सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होता है उसमें हमने क्या करना है कि जैसे यहाँ पे अगर स्टेयर के अंदर को जा रही है, हमने नेक्स्ट स्टेयर केस भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए भी सिंपली आपने फ्रंट व्यू पे जाना चाहते हैं, फ्रंट व्यू पे चले जाइए, सेलेक्ट कीजिए और इसे भी सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल दबा के एंड देन कॉपी टू क्लिपबोर्ड पेस्ट अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल। तो लेवल फोर्थ पे हम सॉरी थ्री पे करेंगे इसे और कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद आपकी जो ये स्टेयर केस है वो यहाँ पे बन जाएगी। बनने के बाद देखिए जैसे कि ये हवा में यहाँ पे दिख रही है, आपने इसको नीचे तक लेके आना है, तो यहाँ से इसको डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद ये जिस लेवल पे है आपकी रूफ लेवल टू, तो इसको यहाँ से इस पॉइंट को मूव कर दीजिए। तो मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ पे, जहाँ तक भी आप इसको लेके जाना चाहते हो वहाँ तक आप इसे ले जाइए। जैसे कि हमें इसको स्टेयर तक लेके जाना है, स्टेयर तक लेके जाने के बाद अगर ये पोर्शन भी आप कवर करना चाहते हो तो उसको भी कवर कर सकते हो सिंपली लाइन लेके। तो यहाँ से मैं इस पोर्शन को कवर कर लेता हूँ।
कवर करने के बाद फिलेट लीजिए और यहाँ से भी इसको फिलेट कर दीजिए, देन टिक। टिक करने के बाद व्यू 3D, तो आपका यहाँ पे भी जो पोर्शन था उस पोर्शन पे यहाँ पे आपकी स्टेयरकेस कनेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह से भी आप स्टेयरकेस का यूज, स्टेयरकेस को भी फिक्स कर सकते हो क्लिपबोर्ड के थ्रू, बड़े इजीली, आपको दूसरी बार कंस्ट्रक्ट नहीं करनी पड़ेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो होता है हमारा कि आप इस पोल को सिलेक्ट कर लीजिए, देन एडिट प्रोफाइल कर लीजिए। एडिट प्रोफाइल करने के बाद इसको लेफ्ट में ले जाते हैं। लेफ्ट में ले जाने के बाद आप यहाँ से इसको फिलेट कर दीजिए। फिलेट करने के बाद जो नीचे का पोर्शन है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए एंड देन इस लाइन को ऊपर की तरफ मूव कर दीजिए। मैं इसको यहां तक मूव कर देता हूं। मूव करने के बाद यहां तक जब मूव हो जाएगी फिर से लाइन लीजिए यहां से। लाइन लेने के बाद इस पोर्शन से यहां से इसको नीचे की ओर मूव कर दीजिए एंड देन यहां पे क्लिक। क्लिक करने के बाद फिलेट कर दीजिए इसे यहां से यहां और यहां से यहां, देन टिक। टिक करने के बाद आपकी जो यहाँ पे वॉल है वो यहाँ पे सिंपली क्रिएट हो गई है। तो आप इस तरीके के साथ भी यहाँ पे यूज करके इसको क्रिएट कर सकते हो। अगर जैसे कि यहाँ पे पोर्शन के लिए आपको ओपनिंग चाहिए या कोई खिड़की या वेंटिलेशन देना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे वॉल भी क्रिएट कर सकते हो, या आप यहाँ पे कोई खिड़की या विंडो यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। अगर डालना चाहते हो, फिक्स करना चाहते हो, फिक्स कर दीजिए, नहीं तो सिंपली ओपनिंग भी दे सकते हो। यहाँ पे ओपनिंग के लिए सिंपली यहाँ पे आपने एक विंडो क्रिएट कर देनी, तो एक साइज बना दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे विंडो कुछ इस तरह से देना चाहता हूँ, यहाँ पे विंडो दे देते हैं, देन टिक। टिक करने के बाद आपका यहाँ पे एक विंडो लग गई। तो इस तरीके के साथ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इसका, बड़े ही इजी मैनर में यहाँ पे दिया हुआ है। देन यहाँ पे जो ओपनिंग यहाँ पे बची हुई है, इन ओपनिंग्स में आप रेलिंग देना चाहते हो तो रेलिंग दे सकते हो, या कोई भी आप एडिटिंग करना चाहते हो तो उस तरीके के साथ आप एडिटिंग कर सकते हो। तो ऊपर भी आपकी फ्लोरिंग जो है वो फिक्स हो चुकी है, तो यहाँ से भी आप फिक्सिंग कर सकते हो। दोस्तों ये था हमारा कि हम क्लिपबोर्ड का यूज़ कैसे करते हैं रैबिट के अंदर। तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड में कट का ऑप्शन भी होता है कि आप कट करके इसको सीधा ऊपर पेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप पेस्ट कर सकते हो, कि नीचे से कट का ऑप्शन होता है कि यहाँ से जब मैं इसको कॉपी करूँगा या कट करूँगा, कट करने के बाद यहाँ से ये चीज़ गायब हो जाएगी और यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो इसी के साथ एक और हमारे पास क्लिपबोर्ड में ऑप्शन होता है मैच टाइप प्रॉपर्टीज। तो मैच टाइप प्रॉपर्टीज क्या करती हैं कि जैसे कि यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करता हूँ तो इस विंडो का साइज अलग है और इस विंडो का साइज अलग है। तो अगर आप इन दोनों की प्रॉपर्टीज को सेम करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए इस विंडो को, देन इस विंडो को सिलेक्ट कर दीजिए, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम हो जाएगी। उसी तरह से इसको क्लिक करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी जो है इस विंडो की तरह सेम हो गई है। अगर आप फिर से मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ से ले लेता हूँ मैच प्रॉपर्टीज, तो मैं जैसे इस विंडो को इसके बराबर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इन दोनों की प्रॉपर्टी भी एज इट इज इसकी तरह हो गई। तो ये काम होता है हमारा मैच प्रॉपर्टीज का इस क्लिपबोर्ड के अंदर। तो दोस्तों ये थे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे, जैसे कि पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड भी आप कर सकते हो, सीधा कंट्रोल भी टाइप करोगे तो सिंपली वो वहाँ पे कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ पे अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स किया जाता है, जब आप व्यूज यहाँ पे सेम डाल दोगे तो आपको वहाँ पे भी अलाइन हो जाएगा, और यहाँ पे सेम प्लेस पे अलाइन करने का भी ऑप्शन होता है कि जैसे कि यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ तो सेम प्लेस पे वो दूसरी जगह कॉपी हो जाएगी। और यहाँ पे आता है अलाइन टू पिक लेवल, तो जो लेवल आप पिक करोगे ये वहीं पे कॉपी कर देगा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तीन चार टाइप से आपको दिया होता है कि आप किसी भी तरह से क्लिपबोर्ड का यूज़ कर सकते हो रैबिट के अंदर। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम रैबिट का यूज़ कैसे करते हैं, रैबिट के अंदर हम क्लिपबोर्ड का यूज़ कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए एंड हैव ए नाइस डे।